राम हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे राधे गोविंद। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद
राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो श्री राधे। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही है प्रभु कि मेरी जो मेरे परिवार में आसक्ति है वो आसक्ति निकल जाए, यानी जो मेरा परिवार से अटैचमेंट है। ये भागवत में आया है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में है। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही कि मेरी आसक्ति निकल जाए और मेरी आसक्ति आपसे हो जाए, मेरा लगाव मेरा प्रेम आपसे हो जाए प्रभु आपसे हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री।
श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गीता में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं सदैव मेरा सिमरण करो सदैव मेरा सिमरण करो नित्य मेरा भजन करो श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे राधे। हम सबों को जागना होगा, जागिए और हमारा रूटीन होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, छुट्टी नहीं करनी है। कुछ भक्त संडे को छुट्टी करते हैं या कुछ भक्त सिर्फ एकादशी के दिन ही जागते हैं, नहीं, रोज नित्य निरंतर। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। हरी बोल हरी बोल श्री राधे। श्री राधे। हरी भजन करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा, नाम जपने वालों का हमेशा भला होता है। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। भक्ति मार्ग बहुत सरल है, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ऐसे प्रभु को पाने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। हम जैसे
घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए तो नाम सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही सरल मार्ग है और हमारे लिए यही मार्ग सही है। घर गृहस्थ के नियम, घर गृहस्थ के जो कर्तव्य है उसी में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला वैसे ही होने वाला है। श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे सेट स्ट्रेट। सामूहिक जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैकोन्महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। ये राजन यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी हम आज आप सब जानते हैं कि आज श्री हनुमान जी महाराज जी का प्राकट्य दिवस है और आज के दिन ही श्री हनुमान महाराज जी प्रकट हुए हैं। आप सबों को इस सुंदर पर्व की अनगिनत अनगिनत और अनगिनत बधाइयां हो। आज बहुत पवित्र तिथि है। आप सब जानते हैं कि जब हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निहारो सुमत के संगी, ये हम सब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में। हनुमान जी महाराज जो कि स्वयं शिव हैं,
भोलेनाथ जी है, इसमें दो मत नहीं है। शिव ही हनुमान जी के रूप में आकर भगवान श्री राम की लीलाओं में सम्मिलित हुए हैं, स्वयं भोलेनाथ। लेकिन हनुमान महाराज जी की बहुत सारी कथाएं हैं, आपको पता है। चलो हम कथा भी आपको बता देंगे, लेकिन उससे सीखना क्या है? आखिर हनुमान जी महाराज जी के जीवन से हमको क्या प्रेरणा मिलती है? आपको पता है ना, हनुमान जी महाराज आज भी पृथ्वी पर है, कि जब भगवान श्री राम अपनी लीलाओं को समेट के साकेत धाम जा रहे थे, भगवान राम का धाम का नाम क्या है? साकेत धाम। जब भगवान राम जा रहे थे तो हनुमान जी साथ नहीं गए, कहा प्रभु मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा, क्योंकि यहां पर जहां भी आपकी कथा होगी मैं वहीं जाके बैठूंगा, वहीं बैठूंगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज को राम जी की कथा और नाम से बहुत लगाव है। आपको बताऊं, इतना अटैचमेंट नाम से और हरि कथा से हमें भी होना चाहिए, कि एक दिन सत्संग न मिले, एक दिन ब्रह्म मुहूर्त न मिले और हमें रिग्रेट होने लगे दिन भर, यही कि मुझे क्यों नहीं मिला, अरे मैं क्यों नहीं उठा, अरे मैं क्यों नहीं उठी, क्यों नहीं उठी। अगर आपके साथ ऐसा होता है, मान लो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको बहुत पछतावा होता है, तो ठीक है। तो लेकिन अगर आपको या मुझे पछतावा नहीं हो रहा है और हम ये सोच रहे चलो ठीक है ना कल सुन लेंगे, एक दिन नहीं उठे तो क्या फर्क पड़ता, तो अभी हम परिपक्व नहीं हुए। अगर हम परिपक्व होते ना तो फिर ये मन में कभी विचार ही नहीं आता कल सुन लेंगे। लेकिन हम परिपक्व नहीं है, श्री राधे। और जो परिपक्व होता है ना उसको एक ही थॉट आता है, मैंने क्यों नहीं आज ब्रह्म मुहूर्त अटेंड किया, मैंने क्यों नहीं आज माला की, मैंने क्यों नहीं नाम स्मरण किया, क्यों नहीं किया, मैंने भजन क्यों नहीं किया। तो हनुमान जी महाराज की जो लगन है, जो लगाव है, वो राम कथा से है, राम के नाम से है। जो सतत 24 घंटे राम नाम जपते हैं, यहाँ तक कि निद्रा में भी। वैसे तो हनुमान जी सोते नहीं हैं इतना, नहीं, वो तो नित्य सेवक है, पर कहीं भी हनुमान जी महाराज बैठे भी हैं आँख बंद करके, ध्यान राम जी का चल रहा है, क्योंकि स्वयं शिव हैं और शिव जी भी ध्यान में बैठते हैं। तो शिव जी भी अगर ध्यान में बैठते हैं तो आपको पता है वो राम जी का ही ध्यान करते, श्री राधे श्री राधे, राम जी का ही ध्यान करते हैं, राम राम राम, प्रभु का ही ध्यान कर रहे हैं। अब ये देखिए, यहां तक देखिए कि हनुमान जी महाराज नित्य सतत उस राम को याद कर रहे हैं, सतत, और अभी भी पृथ्वी पर है, क्योंकि मुझे राम कथा सुननी है, मुझे हरि भजन करना है। तो सबों ने कहा हनुमान जी महाराज से, आप चलो भगवान के धाम में चलो, आप बोलो मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। और आप देखो, बाबा तुलसीदास जी को, जब बाबा तुलसीदास राम जी की कथा में गए, राम कथा हो रही है, तब पहले दर्शन उनको हनुमान जी के, उस राम कथा में हनुमान जी महाराज बैठे थे और बाबा तुलसीदास को दर्शन हुए। बाबा तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए, और जब बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि मैं राम के दर्शन करना चाहता हूं, तब हनुमान जी ने उनको राम के दर्शन करने का मार्ग बताया। इससे पता चलता है कि जहाँ भी मेरे प्रभु की कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज बैठते हैं, विराजमान होते हैं। वहाँ आज भी बैठते हैं। श्री राधे
जहाँ तक हम देखते हैं कि किष्किंधा कांड, जो किष्किंधा नगरी में वानर्स रहते थे, हनुमान महाराज भी वहीं रहते, वहाँ से जो हनुमान जी महाराज जी की राम जी से मुलाकात हुई है, वहाँ से लेकर भगवान की जो लीलाएं विराम हो रही है, तब तक हनुमान जी साथ थे। इससे पहले हनुमान जी ने राम जी का ध्यान किया, भजन किया। आज भी आप बच्चों को देखो, हम कभी कृष्ण बनाएंगे, कभी हनुमान जी बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कहीं भी शो होता है, कोई स्टेज प्रोग्राम होता है, तो हम बच्चे को हनुमान जी महाराज बनाते हैं। बड़ा भोला स्वरूप है मेरे हनुमान जी का। पांच मुख हैं हनुमान जी के, एक मुख नहीं है, पांच मुख है। श्री राधे। कई हनुमान जी के ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों का नाम ही है पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर श्री राधे। तो अब हनुमान जी महाराज तब बाल्यावस्था में थे और उनको लेकर आए, क्योंकि वानर रूप में थे तो लेकर आए। तो जब हनुमान जी महाराज भगवान राम के सामने आए तो भगवान राम गदगद हो गए और उनके साथ खेलने लगे। प्रेम तो बचपन से ही था ना, प्रेम तो भगवान और भक्त का बचपन से ही होता, बाल्यावस्था। और देखो दोनों आज भक्त और भगवान मिले हैं। श्री राधे। फिर बाद में किष्किंधा नगरी में मिले हनुमान जी महाराज श्री राम से। जब अब एक और लीला सामने आती है, जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज को कहा कि जाओ लंका का पता लगाओ, माता सीता के पता लगा के आओ, तो हनुमान महाराज जी गए। अब इतना बल है उनमें, रामदूत अतुलित बलदामा, इतना उनमें बल है कि रावण को एक लगाते ना तो रावण वहीं मृत्यु को प्राप्त करता। सोचो, वानरों के राजा सुग्रीव, सुग्रीव का भाई था बाली, उस बाली ने रावण को अपने बगल में दबोच दिया था। बाली के पास इतनी ताकत थी कि उसने रावण को बगल में दबोच दिया था। तो सोचो हनुमान जी महाराज में कितना बल होगा। चाहे तो हनुमान जी काफी थे रावण के लिए, तो सच्ची बात बता रहा हूं, हनुमान जी काफी थे। लेकिन भगवान ने कहा, देखो हनुमान जी, आप सिर्फ सीता का पता लगाओ, ये तो प्रभु की आज्ञा नहीं थी, नहीं तो कब का वो माता जानकी को लेकर भी आते, और माता जानकी को लेकर भी आते, रावण का अंत भी करके आते। पर भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि तुम पता लगा के आओ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, सब हो जाता। और पहले बड़ी विनम्रता से बात की हनुमान जी ने रावण से, लेकिन रावण का अहंकार, फिर तो हनुमान महाराज जी ने जो देखा कि अभी मेरा बल जानता ही नहीं है, और सोचो मेरे श्री राम का कितना बल होगा। और यहाँ तक कि रावण ने पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी ने उनके लंका में आग लगा दी। राधेश राम, राधेश राम, राधेश राम, लंका में आग लगा दी। राधेश राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जो हनुमान जी ने सोना पिघलाया, पूरी लंका पिघला दी। राधेश राम, राधेश राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो अब ठीक है, हनुमान जी आए और राम जी को सब बताया कि अशोक वाटिका में माता जानकी है और रावण की मैं लंका जला के आया, रावण की मैं लंका जला के आऊं। लेकिन इससे पहले
हनुमान जी महाराज देखते हैं कि उस लंका में, अरे पूरे झाड़ के पेड़ के पेड़ उखाड़ दिए उन्होंने, वो रावण की सेना ना बावरी हो गई, देखे क्या कर रहा है, एक वानर आया इतनी तहस नहस कर दी, वो सब देख के हैरान हो गए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ये क्या हो रहा है। जब अच्छा किसी के हाथ नहीं लग रहे हनुमान जी, कोई इनको पकड़ नहीं पा रहा नहीं, और आपको पता है वो बाल्यावस्था से चंचल भी है, चंचल भी है। तो जब हनुमान जी महाराज लंका में घूमते घूमते एक जगह ऐसे पहुंचे जहां उनको श्री राम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लंका में श्री राम कौन है, कौन है जो इस लंका में भी श्री राम कह रहा है। श्री राधे, थोड़ा जागना, आज आज पूर्णिमाशी भी है, तो चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी महाराज जी का प्रादुर्भाव प्रकट्य दिवस होता है, और आप सबों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। श्री राधे। तो हुआ, देखा कहाँ से आवाज आ रही, देखा एक कुटिया है, लंका में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। जब अंदर गए तो रावण के भाई विभीषण महाराज राम राम जप रहे। हनुमान जी ने पूछा कौन हो, बोला मैं विभीषण, रावण का भाई, तुम तो राम की भक्ति करते हो। बोला आप कौन हो, बोले मैं हनुमान हूँ। आपस में मुलाकात हुई, राम जी के विषय चर्चा हुई। देखो दो भक्त आपस में मिलेंगे ना, बात ही प्रभु की करेंगे, वो अन्य बात करेंगे ही नहीं। तुम राम के दूत और मेरे पास आए हो, आज मुझे राम के भक्त के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। विभीषण महाराज आंसू नहीं रुक रहे कि मैं एक राम के भक्त से मिल रहा हूँ, क्योंकि लंका में सिर्फ राक्षस राक्षसों को देख के वो बोर हो गए थे, लेकिन आज उनको किसी राम भक्त के दर्शन। ऐसे महात्मा बताते हैं कि हनुमान जी महाराज ने पूछा विभीषण, फिर इस लंका में आप विभीषण महाराज आप इतना भजन करते हो, राम नाम याद करते हो, भजन करते हो, तो इस लंका में रहते कैसे हो, चारों तरफ तो राक्षस ही राक्षस, और लंका में राम भजन करना बड़ी बात है, जबकि तुम स्वयं रावण के भाई हो पर भक्त राम के हो, तो यहाँ तुम्हारी स्थिति कैसी है, चारों तरफ तो राक्षस है और तुम कुटिया में बैठ के भजन कर रहे हो आप। तब विभीषण महाराज ने कहा मेरी स्थिति ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच में जबान, दांत 32 है और जबान एक है, और जबान को कितना संभल के रहना पड़ता है, कभी भी देखो दांत जबान को लग जाता है ना, जबान कट जाती ऐसे करते हैं, क्या हुआ, बोले मेरी जबान कट गई, तो सामने वाला पता है क्या बोलता है, तुम्हें कोई याद कर रहा है इसलिए तुम्हारी जबान कटी, तुम्हें कोई याद कर रहा है। श्री राधे श्री राधे। एक बार मुझे हिचकी हुई, तो हिचकी हुई तो मुझे किसी ने कहा कोई आपको याद कर रहा है, ठीक है, अब हिचकी बंद ना होए, 10 लोग मिलने आए तो सब बोले आपको कोई याद कर रहा है, अब एक घंटा हिचकी चली, मैंने कहा कोई इतनी देर याद कर, सीधे मैं डॉक्टर के पास गया, दवाई ली, मैं ठीक हो गया, क्या करूं। श्री राधे। अभी तो वो हिचकी 4 घंटे चलती है, तो 4 घंटे को याद कर रहा। श्री राधे श्री राधे। एक भक्त ने तो ऐसा सवाल पूछ लिया कि एक माता थी, उसने कहा कि हमको किसी ने कहा है कि आप है ना 24 घंटे कृष्ण कृष्ण करते हो ना, मत किया करो। बोले क्यों, बोले भगवान को इतना याद करते हो उसको हिचकी नहीं होगी। भाई नहीं होती है उसको 24 घंटे याद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है हनुमान जी महाराज जी के चरित्र को, धन्य जो नित्य राम जी के सेवा में हैं, माता जानकी के सेवा में हैं और उनके चरणों में बैठे बैठे। श्री राधे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तब विभीषण महाराज से मिले,
और हनुमान महाराज जी ने कहा कि हम आपकी सूचना श्री राम जी को दे देंगे। और हनुमान जी महाराज जब श्री राम के पास पधारे तो कहा, प्रभु माता जानकी अशोक वाटिका में हैं और मुझे रावण का भाई मिला विभीषण महाराज, वो तो आपका भक्त है प्रभु। तो भगवान बहुत मुस्कुराए कि मेरे भक्त कैसे हैं, लंका में रहकर भी मेरी भक्ति करते हैं। राधेश, लंका में रहकर भक्ति करते हैं और ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। सुनो, अनुकूल वातावरण में तो सभी भक्ति करते हैं, प्रतिकूल वातावरण में कौन भक्ति करता है? अनुकूल में तो हम भी कर लेंगे, प्रतिकूल वातावरण में बापू जी कहते जब हम भक्ति करें तब हम अपनी परीक्षा में पास होते हैं। आज विभीषण महाराज के इर्द गिर्द ऐसा वातावरण है कि जहां राम का नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लेते हैं। और उस जगह पर रहकर, उस स्थान पर रहकर जहाँ राम का नाम लेना वर्जित है, क्योंकि रावण का राज है लंका में भाई, लेकिन वहाँ वो राम का नाम ले रहे हैं जबकि वो उस लंकेश के भाई हैं, सगे भाई हैं। श्रीराज, रावण मना कर रहा है, यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो राम नाम जपेगा, और यहां तो स्वयं भाई जप रहा है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हनुमान महाराज जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि तुम प्रभु के समर्पित रहो, भगवान के समर्पित रहो, मेरे ठाकुर जी के समर्पित रहो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, समर्पित रहो। ये है हनुमान महाराज जी का जीवन। और जो उनका समर्पण भाव है, जो राम जी के प्रति प्रेम है, आप जानते हैं कि एक बार माता जानकी ने सिंदूर भरा था तो हनुमान जी महाराज ने पूछा कि माता आपने ये सिंदूर क्यों भरा है? कहा, ये तो मैं अपने पति के लिए, श्री राम जी के लिए सिंदूर लगा रही हूँ, मांग में सिंदूर भर रहे हैं। बोले, इससे क्या होता है? बोले, इससे मेरे पति की उम्र लंबी होती है। श्री राज, इससे मेरे पति की, राम जी की उम्र लंबी होगी। चुटकी भर सिंदूर लगाने से राम जी की उम्र लंबी होती है, तो हनुमान जी ने सोचा क्यों ना मैं अपने शरीर पर ही सिंदूर डाल दूँ, और उन्होंने अपने शरीर को पूरा सिंदूर से भर दिया। तो भगवान राम माता जानकी हैरान हो गए कि हनुमान जी क्या कर रहे हो। बोला, प्रभु इतना सिंदूर लगाने से आपकी लंबी उम्र होगी, तो इतना सिंदूर लगाने से आपकी कितनी लंबी उम्र होगी? ये प्रेम है, याद रखना। भगवान के आगे बच्चा बन के रहना, बड़ा बन के नहीं, बड़ा बन के नहीं रहना, बड़ा बन के नहीं। श्री राधे, भगवान को पाना है तो बच्चा बन के पाना है, बड़ा बन के हम भगवान को पा ही नहीं सकते। राम राम राम, हम नाम भजन के द्वारा भगवान को पा सकते हैं। छोटा मासूम और इनोसेंट बन के रहे, भगवान के सामने हमारी होशियारी नहीं चलेगी, या हमारा ज्ञान, या हमारा पद, या हमारा नाम, ये सब नहीं चलेगा। राधेश, ये सब नहीं चलेगा। श्री राधे, थोड़ा जागिए ना, हालांकि मेरा गला खराब है बहुत, कि हमारी नागपुर में ना एक जगह भागवत कथा चल रही है गुरु कृष्ण राधा रानी कृपा से, तो उस 3 घंटे वहाँ बोलना पड़ता है, फिर ब्रह्म मुहूर्त होता है, फिर सुबह की सत्संग होती है नागपुर में, वो है, तो 5-6 घंटा दिन में बोलना पड़ता है भगवान की दया से, 5 घंटे।
लोगों से अलग बोलना पड़ता है, तो आखिर गले में सूजन आ ही गई। पर ठीक है, बाकी 10 मिनट बचे हैं, आप ध्यान से सुनना। श्री राधे। बड़े सरल और भोले हैं हनुमान जी महाराज। श्री राधे। वैसे तो बचपन में चंचल तो इतने हैं कि वो सूर्य को खाने चल गए, सूर्य को मुंह में लेने गए। उन्होंने कोई खिलौना ही समझ लिया या कुछ ऐसा समझ लिया कि मुंह में ले लिया सूर्य को, इतना बल है उनमें। पर वे सरल हैं, वे राम जी के सामने हमेशा दास बन के रहते। अब जब भी कोई भगवान श्री राम की स्वरूप देखोगे, विग्रह देखोगे, तो हनुमान जी महाराज साथ में नहीं खड़े, चरणों में खड़े, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी महाराज, चरणों में बैठे। अब देखो उनका जीवन देखो, हमेशा श्री राम के चरणों का ध्यान करते हैं मेरे हनुमान जी महाराज, श्री राम जी का। और जब सीना चीरा तो उनके हृदय में भगवान श्री राम और माता जानकी, और जब उनके गले में मोतियों की माला पहनाई तो एक एक मोती को तोड़ के देख रहे कि इसमें भगवान राम है कि नहीं। मतलब उनको हर जगह राम चाहिए, यही प्रेम है। प्रेम में हमेशा हमारा प्रेमी हमको दिखेगा, हमेशा प्रेमी दिखेगा, क्योंकि गोपियों को हर जगह कृष्ण दिखते थे, चाहे वो गोपियां भोजन बनाए, चाहे गोपियां यमुना पे पानी भरने जाए, चाहे वो दही दूध बेचने जाए, चाहे वो अपनी द्वार पे खड़ी रहे, लेकिन उनको हमेशा हर जगह कृष्ण नजर आता। यमुना तट पे भी पानी भरने गई तो पानी भरने में तो 5 मिनट लगते हैं, गोपियां थोड़ी देर और रुक जाती कि कहीं कृष्ण के दर्शन हो जाए, कहीं यमुना तट पे आ जाए। जब गोपियों का भाव तीव्र होता तो कृष्ण वहां भी प्रकट होते थे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखो कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं, इतनी लीलाएं हैं, तो आप कहोगे रोज एक कृष्ण ने लीला की है। कृष्ण रोज एक नहीं, 100 लीला करते थे द्वापर युग में, 100 लीला करते, एक ही कृष्ण 100 लीला, एक ही कृष्ण 100 भक्तों से, हजारों भक्तों से मिलते थे। राधेश्याम, वो अनेक रूप धारण करके लीला कर सकते हैं। क्यों, द्वारका में क्या था, जब नारद जी आए भगवान का दिनचर्य देखने कि भगवान 16108 रानी पटरानियों के साथ कैसे रहते, देखो तो सही। जब नारद जी भगवान को देखने आए तो क्या देखा, हर कमरे में भगवान अपनी रानी पटरानी के साथ बैठे, हर कमरे में जितनी रानी पटरानियाँ उतने मेरे गोविंद के रूप, द्वारकाधीश के रूप। जय द्वारकाधीश। चलना है द्वारका, चलें कभी, चलो तो सही। समुद्र तट पे क्या तो मेरे ठाकुर का मंदिर है, क्या तो भव्य मंदिर है, राम राम राम, क्या तो गोमती नदी है, समुद्र का पानी गोमती नदी में आता है। श्री राधे। तो द्वारका जाना आप कभी, या हम चलेंगे साथ में, गुरु महाराज हमको ठाकुर जी लेके चलेंगे। तो नारद जी आए, देखते हैं हर कमरे में कृष्ण बैठे, भगवान देखो, हम अपने दो रूप भी नहीं बना सकते, लेकिन भगवान हर घट में विराजमान है, क्योंकि वो भगवान है, वो सब कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। वो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। राधेश्याम, 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 राधेश्याम। एक राजा के दरबार में एक सवाल ही आया, राजा मुझे आपसे ना एक सवाल पूछना है। तो राजा ने कहा पूछो। कहा आप मुझे बताओ कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते भगवान,
तो राजा ने जवाब दिया कि भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। सवाली ने कहा बात तो मैं भी जानता हूँ कि भगवान सब कर सकते हैं, उसमें दो मत नहीं है। श्री राधे, जय हो हनुमान जी महाराज जी की, जय हो जय हो। आज इतना अच्छा पवित्र दिन पूर्णिमाशी का, तो मैं भी जानता हूँ कि भगवान सब कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली करना है, दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान क्या कर सकते। राजन का, भाई मैं क्या दिखाऊँ, भगवान सब कर सकते। अभी देखो अप्रैल मंथ चल रहा है, बरसात हो रही है हमारे शहर में, नागपुर में बहुत बरसात है, बहुत मतलब बरसात अच्छी है, अच्छी बरसात है, हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर में फिर कभी धूप आ रही है, फिर कभी बरसात हो रही है, वो सब कर सकता है। नहीं नहीं महाराज, बोले मुझे करके दिखाओ, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। बोले चलो प्रैक्टिकल करते, कैसे करें प्रैक्टिकल। तो राजा ने सोचा अभी सवाली को जवाब क्या दूँ, क्या प्रैक्टिकल करके दिखाओ। राजा ने अपने मंत्री से कहा, भाई सवाली का ये सवाल है, इसका जवाब देना है, इसको प्रैक्टिकली जवाब देना है, भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते, इसको करके दिखाना, इसको कैसे समझाएं। तो मंत्री ने कहा राजा आप हुक्म दें तो मैं इस व्यक्ति को अच्छे से समझा सकता हूँ। तो राजा ने मंत्री को कहा ठीक है राजा, देखो जो मैं कहूँ आपको भी मानना पड़ेगा, सवाली को मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। बोला ठीक है, राजा ने कहा मैं भी मानूंगा, सवाली ने कहा मैं भी मानूंगा, ठीक है करो। मंत्री ने कहा राजा मैं जहाँ खड़ा हूँ राजा उठ के मेरे पास आओ। मंत्री दौड़कर राजा के आसन पर बैठ गया। तब उस सवाली को कहा देखो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, देखा मुझ जैसे मंत्री को राजा भी बना सकते हैं और राजा को मेरी जगह पे खड़ा कर सकते हैं। राजा को थोड़ा गुस्सा आया, बोले मंत्री क्या कर रहे हो। बोले महाराज मैं अभी उठ रहा हूँ यहाँ से, पर मैं इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, भगवान ये भी कर सकते। देखो 2 मिनट मैं इस राजा के आसन पे बैठा, 1 मिनट भगवान ने करके दिखाया ना, भगवान क्या नहीं कर सकते, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। राजा को रंक को राजा बना सकता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राजा को रंक को राजा बना सकता है, ये भगवान है। तो आज श्री हनुमान जी महाराज जी का प्राकट्य दिवस, आज आप जरूर जाएंगे, हनुमान जी महाराज का जरूर दर्शन कीजिए, लेकिन उनसे कहना कि प्रभु बस हम कभी राम का नाम न भूलें, वो राम का नाम हम जपते रहें, हमारा लगाव उस श्री राम के चरणों में हो, हमारा अनुराग श्री राम जी के चरणों में हो, श्री राम जी के चरणों में हो, जैसे बाबा तुलसीदास का प्रेम श्री राम जी के चरणों से है, माता शबरी का प्रेम श्री राम जी के चरणों से है, केवट का प्रेम श्री राम जी के चरणों से है, ऐसे हमारा प्रेम भी उस श्री राम के चरणों में बना रहे। हाँ ये हनुमान महाराज जी से आप मांगना, जरूर मांगना, बहुत ज़रूरी है। वे ही भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति को बढ़ा सकते हैं, राधे श्याम, वे ही कर सकते हैं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, वे ही सब कर सकते हैं। इसलिए हनुमान महाराज जी भक्ति के दाता हैं, वे राम की भक्ति दे सकते हैं। अरे बाबा तुलसीदास जी को भी राम जी के दर्शन हनुमान जी ने करवाए, हनुमान जी ने करवाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सब आज के दिन खूब मेरे प्रभु का भजन करना, ठीक है, और आज मंगल का दिन हो, सबका मंगल हो, लेकिन नाम मत भूलना। भगवान शिव जी माँ पार्वती को कहते हैं कि उमा मैं कहूँ अनुभव अपना, उमा मैं कहूँ अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जग है सपना, सत्य हरि भजन जग है सपना। कि महादेव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती
मैं तुम्हें एक सच बात कहूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। क्या अनुभव है कि ये संसार एक स्वप्न के समान है और ये संसार एक ड्रीम के समान है, लेकिन हरि भजन सत्य है, हरि नाम सत्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि भजन सत्य है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत पूरा सपना है, एक ड्रीम है। इस ये जो महादेव जी के, मेरे भोलेनाथ जी के जो ये शब्द हैं, सुंदर वाक्य है, इस पर कल चर्चा करेंगे, अवश्य करेंगे। और आप रोज़ उठो, रोज़ सुबह 4:30 बजे मेरे साथ उठकर हम मिलकर भजन करें और अपना जीवन सफल करें, ताकि अंत में पछताना ना पड़े। अच्छा, आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ होगा, कैसे? कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो आपके हाथ से छूट गई, उस प्रॉपर्टी को छोड़ के 10 साल हो गए, कोई फ्लैट था, बंगला था, सस्ते में मिल रहा था, हमने नहीं लिया किसी कारण, आज हम पछता रहे कि मैंने ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी। एक दुकान आपके हाथ से निकल गई जो 10 लाख में मिल रही थी, उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई, पछता रहे, काश हमने ये प्रॉपर्टी ली होती। अभी भी पछतावा हो रहा है। कोई रिश्ता हाथ से निकल गया होगा, बेटी का, बेटे का, आज भी पछता रहे। ऐसे अभी भजन नहीं करेंगे ना तो बुढ़ापे में पछताना पड़ेगा। इसलिए उस भगवान से कहो ताकि पछताना ना पड़े, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। बापू जी सरकार की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।